Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine E-Tutor Marine Engineering Lectures. Last lectures, we have already discussed about the rules and regulations regarding the steering gear on board ships. In this lectures, we will going to discuss about basic steering gear operations and rudder theory. So, in this lectures, we have basic steering gear operation or basic steering gear mechanism and rudder theory pe baat karenge. And at last, one mostly frequently and always asked questions discuss करेंगे जो हमारी MMD orals में पूछी जाती है, frequently questions होती है and TME interview में पूछी जाती है. And our question is why rudder angle is limited to 30 to 35 degree most of the merchant vessels. हम इस topics पे भी discuss करेंगे. So आज की हमारी topics जो होगी वो हमारी basic steering gear mechanism और बेसिक स्टीयरिंग गियर ऑपरेशंस एंड रडर थ्योरी पे होगी. एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है. एंड अपकमिंग जो लेक्चर्स होगी हमारी स्टीयरिंग गियर्स पे, लाइक 4 रैम स्टीयरिंग गियर, 2 रैम स्टीयरिंग गियर, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर और रोटरी वेन स्टीयरिंग गियर एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो MMD कोर्स से पूछे जाते हैं, लाइक जंपिंग क्लियरेंस, हाउ टू मेजर जंपिंग क्लियरेंस एंड ऑल दीस थिंग्स. ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. ट्रबल शूटिंग्स भी डिस्कस करेंगे. तो ये हमारी अपकमिंग स्टीयरिंग गियर्स की लेक्चर्स होगी. बट आज की लेक्चर्स बेसिक्स लेक्चर्स है. बट बेसिक्स जो होती है ये हमारी फंडामेंटल होती है. आपको बेसिक्स क्लियर करनी होगी. लाइक आज मैं आपको बताऊंगा रडर थ्योरी में, आपको रडर्स बताऊंगा, लाइक जो भी हमारी वेलोसिटी ऑफ वाटर्स होती है, कैसे हमारी रडर फोर्स क्रिएट करती है, लिफ्ट फोर्स क्या होती है, ड्रैग फोर्स क्या होती है, कैसे हमारी रडर मूवमेंट होती है, रडर सिमेट्रिक क्यों होती है, रडर की एंगल की मूवमेंट लिमिटेड क्यों होती है 30 to 35 डिग्री एंगल, ये सारी चीजें इस लेक्चर्स में डिस्कस की जाएगी. गुड. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड ऑन लेक्चर. सो नाउ कम टू फंडामेंटल, व्हाट इज स्टीयरिंग गियर. स्टीयरिंग गियर व्हिच स्टीयर्स द सी इनटू बोर्ड साइड एंड स्टारबोर्ड साइड थ्रू रडर व्हाइल शिप इज इन सेलिंग. So, ये हमारी स्टीयरिंग गियर होती है. स्टीयरिंग गियर्स क्या करती है, हमारी रडर के थ्रू हमारी शिप्स को पोर्ट साइड एंड स्टारबोर्ड साइड स्टीयर करती है ड्यूरिंग सेलिंग और ड्यूरिंग व्हेन द शिप इज इन मोशन. ओके, ये हमारी स्टीयरिंग गियर होती है. सपोज मैं यहां पर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे बात करूंगा. ओके, प्रैक्टिकल अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें, सपोज हमारी शिप्स है. ओके, सपोज ये हमारी पोर्ट ए है. ओके, पोर्ट ए टू पोर्ट बी, ये हमारी पोर्ट बी है. अब जो हमारी शिप्स है, ओके, ये जो हमारी शिप है इसे हमें क्या करना है, पोर्ट ए टू पोर्ट बी से जानी है. ओके, तो इस शिप की क्या होगी, हेडिंग होगी और इस शिप की कोर्स होगी. मींस ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस पे जाएगी तभी हमारी पोर्ट बी पर ये रीच होगी. ओके, तो सपोज ये हमारी पोर्ट ए है एंड ये हमारी पोर्ट बी है एंड शिप्स हमारी क्या होगी, ये हमारी पोर्ट बी है. ओके, बट सपोज और हेडिंग हमारी क्या होती है, हेडिंग हमारी होती है कि स्पेसिफिक डायरेक्शंस पे जो हमारी शिप सेल कर रही हो वो हमारी हेडिंग होती है, या हम बोल सकते हैं ट्रू कोर्स होती है और मेन कोर्स होती है. ओके, सपोज अगर मैं यहां जायरो कंपास अगर मैं यहां प्लेस्ड करूं तो जायरो कंपास से हमें शिप्स की जो हेडिंग है उसकी डायरेक्शन हमें पता चलेगी. सपोज हम यहां जायरो कंपास प्लेस्ड करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ जायरो हमें पता चलती है ये 0 degree ऑफसेट टुवर्ड्स राइट 44 degree है. सपोज ओके, मींस हमारी क्या होती है जायरो कंपास में हमारी क्या होती है, नॉर्थ हो गई. ओके, ये साउथ हो गई, ये हमारी ईस्ट हो गई, ये हमारी वेस्ट हो गई. ओके, तो सपोज ये हमारी होती है तो ये हमारी 20 डिग्री है क्योंकि ये हमारी क्या होगी 90 डिग्री होगी, तो मैं 45 डिग्री लेकर चल रहा हूं. ओके, तो ये हमारी 45 डिग्री होगी, ये हमारी 0 डिग्री है एंड ये हमारी 45 डिग्री है. और जायरो कंपास में हमारी क्या होती है, नॉर्थ जो होती है वो ट्रू नॉर्थ होती है. ओके, सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन जायरो कंपास एंड कमर्शियल कंपास. जो हमारी कमर्शियल कंपास होती है जो स्टेशनरी शॉप से जो कमर्शियल कंपास
खरीदते हो तो हमारी जो कमर्शियल कंपास होती है वहां पर हमारी एरर्स होती है। एरर्स क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज प्रिवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड। सो ड्यू टू हमारी कंपास जो है वो हमारी क्या होती है, इन्फ्लुएंस अंडर लोकल मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके चलते हमारी कुछ एरर आती है। बट हमारी जाइरो में क्या होती है, हमें ट्रू नॉर्थ पता चलती है एट जीरो डिग्री पे। एट जीरो डिग्री पे जाइरो पे हमें ट्रू नॉर्थ पता चलती है। ओके सो हमारी शिप्स जो सेल कर रही है हमारी 45 डिग्री पे सेल कर रही है। ओके तो ना अब इसे हम क्या करते हैं, शिप्स की लैंग्वेज में 045 बोलते हैं। मींस हमारी यहां पर क्या है, हमारी शिप्स की एक्चुअल हेडिंग जो है, ओके एक्चुअल हेडिंग यहां पर, और एक्चुअल हेडिंग जो होगी हमारी यहां पर 045 है। ओके सो हमें ये हेडिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेट हेडिंग, और मैं इसे बोलूंगा सेट हेडिंग। मुझे ये हेडिंग चाहिए, कॉन्स्टेंटली हेडिंग चाहिए पोर्ट बी तक पहुंचने के लिए। ओके तो इसे मैं बोलूंगा सेट हेडिंग 045। बट नाउ अब हमारी क्या हो रही है, ड्यू टू रफ वेदर, अब हमारे रफ वेदर के चलते हमारी क्या हो रही है, जो शिप है वो हमारी ड्रिफ्ट हो रही है। अब हमारी शिप अगर ड्रिफ्ट होगी तो उसकी हेडिंग क्या होगी, चेंज होगी। सपोज और मेन कोर्स और ट्रू हीडिंग इज, अब हमारी ट्रू हीडिंग इज 050। ट्रू हीडिंग इज 050 मींस हमारी शिप्स जो है ड्रिफ्ट हो चुकी है और ऑफसेट हो चुकी है 045 से 50, मींस हमारी 5 डिग्री ऑफसेट हो चुकी है। सपोज अगर हमारी ये 5 डिग्री ऑफसेट होगी, सपोज ये हमारी 5 डिग्री ऑफसेट होगी, ये हमारी 5 डिग्री ऑफसेट होगी, तो ये हमारी आप देख सकते हो ये समवेयर पोर्ट सी पहुंच जाएगी। ओके ये समवेयर पोर्ट सी पहुंच जाएगी, बट हमें जाना है पोर्ट पी। ओके तो ये हमारी ट्रू हीडिंग 045 आ गई, इसलिए क्योंकि हमारी एरर आ जा रही है 5। ओके सो इस एरर को हमें क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना होता है। ओके एलिमिनेट करना होता है जहां पर हमारी स्टेरिंग गियर इनकॉर्पोरेटेड विद पीआईडी कंट्रोल होती है हमारी शिप्स पे। वो मैं कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ाऊंगा, पीआईडी कंट्रोल सिस्टम जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं इसकी अलग से लेक्चर सुनूंगा। ओके सो यहां पर स्टेरिंग गियर इनकॉर्पोरेटेड विद पीआईडी कंट्रोल होती है। पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू हमारी है जो ऑफसेट वैल्यू होती है हमारी अगेंस्ट सेट वैल्यू पे रीच होती है। बट ये हमारी कैसे रीच होती है, विद द हेल्प ऑफ स्टेरिंग गियर सिस्टम। ओके विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रडर, तो यहीं पर हमारी स्टेरिंग गियर्स कम्स इनटू द पिक्चर्स। अब हमारी क्या होती है, शिप्स स्टेयर होती है। ओके अगर ये हमारी 5 डिग्री अगर हमारी टुवर्ड्स स्टारबोर्ड साइड अगर हमारी ड्रिफ्ट हो चुकी है, 5 डिग्री पोर्ट साइड अगर ये हमारी ड्रिफ्ट हो चुकी है, ओके और मैं यहां पर कंसीडर करके चल रहा हूं 5 डिग्री स्टारबोर्ड साइड हमारी ये ऑफसेट हो चुकी है। नाउ अब हमारी क्या होगी, स्टेरिंग गियर मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारी रडर ऑपरेट होगी एंड रडर टुवर्ड्स 5 डिग्री पोर्ट, ओके हमारी जाएगी, जैसे हमारी शिप्स भी टुवर्ड्स 5 डिग्री पोर्ट जाएगी एंड अगेन हमारी इसकी जो सेट हेडिंग है वो हमारी अचीव करेगी। ओके तो ड्यू टू सम एक्सटर्नल मींस फैक्टर सच एज रफ वेदर, ओके सो इससे हमारी क्या होती है, जो हमारी सेट हेडिंग है उससे हमारी शिप्स डेविएट होती है, ऑफसेट्स होती है ना, तो ये हमारी कंट्रोल कैसे होती है, हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी शिप्स की एक्चुअल हेडिंग है और शिप की जो कोर्स है, एक्चुअल कोर्स, ओके जो शिप्स की एक्चुअल कोर्स है वो हमारी जायरो कंपास के थ्रू हमारी रीड हो रही है। ओके मींस हमारी क्या है, जायरो कंपास के थ्रू हमारी रीड हो रही है। नाउ अब हमारी जायरो कंपास क्या कर रही है, सिग्नल फीड कर रही है हमारी ऑटो पायलट को, ये हमारी होती है ऑटो पायलट, ये हमारी सिग्नल ऑटो पायलट को फिट कर रही है जायरो। अब हमारी जायरो क्या रीड की थी, जीरो। अब हमारी जायरो क्या करेगी, ट्रू हीडिंग रीड करेगी। यहां पर हमारी ट्रू हीडिंग क्या है, 050 एंड ऑटो पायलट क्या है, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड हीडिंग मेन कोर्स हमारी क्या है, सेट हीडिंग मींस 045 जो हमें चाहिए होगा पोर्ट ए टू पोर्ट बी पहुंचने के लिए। तो हमारी यहां पर क्या होगी, सेट हीडिंग होगी, वो हमारी क्या है 045। तो ऑटो पायलट हमारी क्या करती है, यहां पर हमारी पीआईडी कंट्रोलर इनकॉर्पोरेटेड होती है।
वो मैं आपको लेक्चर से बताऊंगा, जब पीआईडी कंट्रोलर्स में खत्म करूंगा तो फिर मैं एप्लीकेशंस पे आऊंगा, वहां पे आपको ब्रीफली समझाऊंगा ये कैसे प्रोसेस करती है। ओके नाउ, अब ऑटो पायलट क्या होती है? सिग्नल मींस फीड करती है स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, एंड स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम फर्दर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एंड देन सोलेनोइड वाल्व हमारी ऑपरेट होती है, एंड ये हमारी सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट होती है। सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट होती है तो हमारी स्टेयरिंग गियर मैकेनिज्म आती है। अब यहाँ स्टेयरिंग गियर क्या करती है? रडर को ऑपरेट करती है। स्टेयरिंग गियर क्या करेगी? रडर को ऑपरेट करेगी। ओके, एंड रडर की जो एंगल होगी वो हमारी रडर एंगल इंडिकेटर में शो करेगी। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज, शिप्स की ट्रू हेडिंग होगी, मींस शिप्स हमारी जो पाथ फॉलो कर रही है जायरो कंपास उसकी पोजीशंस रीड करेगी। ओके, दैट इज एक्चुअल हेडिंग। एंड हमारे हमने क्या किया, ऑटो पायलट में हम लोगों ने सेट हेडिंग सेट कर चुके हैं। ओके, जो हमें रिक्वायर्ड हेडिंग चाहिए, सपोज हमारी सेट हेडिंग हमारी कितनी 045, बट हमारी सिप की जो हेडिंग है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर सच एज रफ वेदर हमारी हेडिंग ड्रिफ्ट हो चुकी है, ऑफसेट आ चुकी है हेडिंग में, एंड वो हमारी क्या होगी 050, मींस हमारी ऑफसेट 5 डिग्री आ चुकी है। सो वो ऑफसेट हमारी क्या होगी, फीड होगी हमारी ऑटो पायलट में। ऑटो पायलट में हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर रखी है 045, बट हमारी अब ऑटो पायलट रीड क्या कर रही है 050, मींस एरर हमारी क्या है 5 डिग्री। अकॉर्डिंगली हमारी ऑटो पायलट सोलेनोइड वाल्व को एक्चुएट करेंगे, एंड सोलेनोइड वाल्व अकॉर्डिंगली हमारी स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म से एक्चुएट होगी, एंड अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड ऑफसेट और रिक्वायर्ड ड्रिफ्ट हमारी रडर पोजीशंस मूव होगी आइदर पोर्ट साइड एंड स्टारबोर्ड साइड। सिंपल हमारी ये मैकेनिज्म होती है। सो ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी स्टीयरिंग गियर्स की, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल समझनी है चीजों को। ओके, तो हमारी स्टीयरिंग गियर होती है। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रडर थ्योरी। रडर थ्योरी में हम बेसिक्स रडर्स की पे बात करेंगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटली एंड मोस्टली अस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाई रडर एंगल इज लिमिटेड टू 30 to 35 degree एंगल। इस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रडर्स की शेप पे, तो रडर शेप इज हाइड्रोफॉइल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। जो हमारी रडर की शेप होती है हमारी हाइड्रोफॉइल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होती है। सो व्हाई रडर इज हाइड्रोफॉइल सिमेट्रिक, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, व्हाई? बिकॉज जो हमारी रडर होती है उसकी परफॉर्मेंस जो होती है बोथ साइड होती है, मींस व्हाट, रडर जो होती है हमारी स्टारबोर्ड साइड भी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है एंड हमारी पोर्ट साइड भी हमारी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, मींस इट वर्क्स ऑन बोथ साइड। ओके, मींस अगर ये हमारी 30 टू 35 डिग्री अगर स्टारबोर्ड टर्न हो रही है तो ये हमारी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हमारी 30 टू 35 डिग्री पोर्ट भी टर्न होनी चाहिए, मींस रडर्स वर्क्स ऑन बोथ साइड। सो दैट्स व्हाई जो हमारी रडर शेप होती है हमारी हाइड्रोफॉइल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होती है, दैट इज ये हमारी हाइड्रोफॉइल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होती है। ये हमारी सपोज मिडशिप, मींस ये हमारी सेंट्रल लाइन है हमारी रडर की, एंड ये हमारी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोफॉइल स्ट्रक्चर्स हमारी होती है, हमारी रडर होती है। ओके, एंड ये हमारी क्या है, सेंट्रल लाइन ऑफ रडर हमारी होती है। ओके, इतनी क्लियर है? बट इसे अगर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हैं, लाइक अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारी एरोप्लेन्स की एरोफॉइल स्ट्रक्चर्स होती है वो हमारी अनसिमेट्रिक होती है। व्हाई इट इज अनसिमेट्रिक? बिकॉज इट वर्क्स ऑन ओनली वन साइड, दैट इज हमारी क्या होती है, एरोप्लेन हमारी फ्लाई ऑफ होती है, ऊपर की ओर जाती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिक। जो हमारी एरोफॉइल स्ट्रक्चर्स होती है एरोप्लेन्स की वो हमारी अनसिमेट्रिक होती है। सेम इन केस ऑफ शिप्स प्रोपेलर, मोस्ट ऑफ द शिप्स प्रोपेलर, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द शिप्स प्रोपेलर की जो हमारी शेप होती है वो हमारी अनसिमेट्रिक, हाइड्रोफॉइल अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होती है। ओके, व्हाई? बिकॉज़ इट वर्क्स ऑन ओनली वन साइड, मींस हमारी
वन डायरेक्शनल वर्क्स होती है मोस्ट ऑफ द शिप्स प्रोपेलर, तो वहां पर हमारे क्या होगी अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होगी, बट हमारी रडर क्या होती है यहां पर हमारी इट्स वर्क्स ऑन बोथ साइड दैट इज पोर्ट साइड और आइदर स्टारबोर्ड साइड दैट व्हाई इट इज सिमेट्रिक इन शेप। तो मैंने यहां पर सिमेट्रिक शेप आपको शो किया है, मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, दैट्स व्हाई आप समझ लो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ओके नाउ तो ये हमारी रडर हो गई। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम डिस्कस करेंगे हाउ रडर फोर्स इज जनरेटेड। जो हमारी रडर फोर्स होती है वो हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है रडर्स की डायरेक्शंस को चेंज करना। लाइक हम लोगों ने इस मींस स्टीयरिंग गियर्स मैकेनिज्म में मैं आपको भी बताया था कैसे हमारी रडर्स अगर हमारी शिप्स अगर हमारी हेडिंग हो रही है मींस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक रफ वेदर ओके, तो हमारी क्या होती है शिप्स ड्रिफ्ट होती है। तो कैसे हम क्या करते हैं कैसे हमारी स्टीयरिंग गियर्स रडर को ऑपरेट करती है ना हमारी अगेन हमारी सेट हेडिंग पे हम उसे मींस अचीव करते हैं। ओके मींस हमारी क्यों है कैसे हमारी अचीव हो रही है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ रडर। सो मूवमेंट ऑफ रडर बाय होम बिकॉज ऑफ रडर फोर्स। सो हाउ रडर फोर्स इज क्रिएटेड हम उस पर बात करेंगे। ये भी हमारी स्टीयरिंग गियर्स लेक्चर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जो MMD ओरल्स में बहुत बार पूछे गए हैं एंड TME इंटरव्यूज में भी कंपनीज पूछती है हाउ रडर फोर्स इज जनरेटेड। ओके हम इस पे डिस्कस करेंगे। सपोज ये हमारे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स है रडर की हाइड्रोफोइल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। नाउ अब जो हमारी वाटर की जो हमारी डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी होती है ये हमारी वाटर की डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी है ये हमारी V है। नाउ ये हमारी क्या है वाटर की वेलोसिटी है directions of water velocity है direction of velocity है and ये हमारी क्या है रडर की हमारी सेंट्रल लाइन है। तो इसके बीच की जो एंगल होती है वो हमारी होती है एंगल ऑफ अटैक which is denoted by alpha। बेसिक्स नवल आर्किटेक्चर्स में आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ा रखा है फंडामेंटल्स है ना। अब यहां पर हमारी फोर्सेस जनरेट होती है ओके एंड दैट फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ रडर दैट इज रडर फोर्सेस। तो कैसे फोर्स जनरेट होती है हम उस पर बात करेंगे। ओके नाउ जो हमारी रडर फोर्स होती है RF व्हिच इज इंडिकेटेड बाय RF हम उस पर बात करेंगे वो हमारी जनरेट कैसे होती है। ओके नाउ अब हमारी ये डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी है वाटर पार्टिकल्स की वेलोसिटी। अब यहां पर क्या होगी वाटर वेलोसिटी जो होगी सपोज मैं यहां पर एक और रेफरेंस डायग्राम बनाता हूं उसकी। ओके ओके अब हमारे यहां पर क्या है ये हमारे वाटर पार्टिकल्स है ये हमारे डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर पार्टिकल्स है। ओके अब हमारे क्या मैं मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं। ओके सपोज ये हमारी वाटर मॉलिक्यूल 1 है एंड ये हमारी वाटर मॉलिक्यूल 2 है। व्हाई मॉलिक्यूल्स क्यों क्योंकि जो हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगी कैसे ट्रेवल करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर्स हमारी एसिड ट्रेवल करेगी। ओके जो भी हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स होगी वो कैसे ट्रेवल करेगी हमारी ऐसे ट्रेवल करेगी यानी हमारी यहां पर मीट होगी मींस लाइक ये हमारी ऐसे ट्रेवल करेगी गॉट इट ये हमारी ऐसे ट्रेवल करेगी एंड ये हमारी मीट होगी। बट यहां पर हमारी केस क्या होगी जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स होगी वो हमारी ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोफोइल सिमेट्रिक से। ओके अगर हमारी रडर कुछ एंगल्स पे है तो हमारी जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स होगी वो हमारी ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। ओके तो हमारी यहां पर क्या होगी यहां पर अगर सेम टाइम पर सपोज टी टाइम पर मैं कंसिडर करके चल रहा हूं यहां पर हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर टी टाइम्स हमारी बोथ वाटर मॉलिक्यूल्स 1 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स 2 हमारे इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे हमारी मीट होती है एंड हमारी मैं कंडीशन लेकर चल रहा हूं। ओके हमारी जो एक्चुअल होती है जो हमारी फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हमारी ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मींस हमारी क्या है अपवर्ड साइड हमारी v1 की वेलोसिटी हमारी क्या है मींस v1 हमारी क्या है ग्रेटर वेलोसिटी पे V2 हमारी क्या है डिक्रीज है इसकी वेलोसिटी
कम है, मींस v1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो सेम टाइम पर इस पोजीशंस पे मीट हो रही है। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कांस्टेंट मींस हमारी डिस्टेंस एंड वेलोसिटी को रिलेट आप कर सकते हो इजीली। ओके, सो कम टू बर्नौलीज थ्योरी। सो बर्नौलीज थ्योरी प्रिंसिपल और बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीजेस देन साइमल्टेनियसली स्टैटिक प्रेशर और सिंपली से प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ओके, अगर हमारी v1 ग्रेटर होगी तो हमारी क्या होगी, p1 लेसर होगी, एंड यहां पर हमारी p2 ग्रेटर होगी। ओके, हमारी बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारी क्या क्या कहती है, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस p1 प्लस रो gh1 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस p2 प्लस रो gh2। इससे आप कंपेयर कर सकते हो। सपोज अगर हमारी p1 डिक्रीज होगी मींस इस साइड हमारी प्रेशर्स क्या है, मोर है, सो ज्यादा प्रेशर्स है तो हमारी क्या होगी, मोर प्रेशर से तो हमारी क्या होगी, इसकी फोर्स कहां एग्जर्ट होगी, तो ये हमारी फोर्स होगी, एंड दैट फोर्स कॉल्ड रडर फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ओके, ये हमारी रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ये हमारी क्या है, रडर फोर्स होगी। सेम यहां पर भी हमारी सेम केस है, मैं आपको रेफरेंस के लिए समझाने के लिए किया था, सेम हमारी वेलोसिटी डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी है वाटर पार्टिकल्स की। ओके, सेम हमारी यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स होगी। ओके, सेम यहाँ पर सेम कंडीशंस होगी, आप देख सकते हो जो वन पार्टिकल्स है एंड टू पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करके चल रहा हूं, जो पार्टिकल्स वन है ये हमारी ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड हमारी सेम टाइम पे पॉइंट ए पर ही हमारी मीट हो रही है दोनों वाटर पार्टिकल्स, मीन्स वाट वेलोसिटीज की ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो हमारी एज पर बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारी क्या होगी, प्रेशर्स कम होगी, बॉटम पार्ट पे हमारी क्या होगी, प्रेशर्स ज्यादा होगी, तो हमारी क्या होगी, जो रडर फोर्स क्रिएट होगी ये हमारी क्या होगी, रडर फोर्स होगी RF, गॉट इट, ये हमारी रडर फोर्स जनरेट होगी। नाउ अब ये जो रडर फोर्स होती है ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स मैटर होती है, इसकी रिजोल्व होती है हमारी दो फोर्सेस में रिजोल्व होती है। ओके, वन फोर्स व्हिच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो वेलोसिटी एंड अदर फोर्स व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो वेलोसिटी। फर्स्ट फोर्स व्हिच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी, दिस इज द फ्लो वेलोसिटी, ये हमारी फ्लो वेलोसिटी है, ये मैं जो ब्लू से कलर किया जो हमारी वी है ये हमारी डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी है। ओके, ये हमारी डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी है, तो इसकी नॉर्मल हमारी क्या होगी, हमारी नॉर्मल होगी, मींस ये हमारी क्या होगी, वन फोर्स होगी एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी। सो ये हमारी क्या होगी, लिफ्ट फोर्स होगी। सेकेंड फोर्स मैंने क्या बताया था, व्हिच इज along the directions of velocity, okay, which is along the directions of velocity, तो आप देख सकते हो ये हमारी force की directions है and ये हमारी flow velocity की directions थी, ये हमारी क्या है, along है, okay, and this force is drag force, this force is called drag force, इतनी आपको clear है। मीन्स अगर मैं डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स अगर लूँ, सपोज आप बाइक चला रहे हो, बाइक की कुछ स्पीड्स है तो आप लोगों ने फील किया होगा कुछ एक एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स आपको क्या करती है, रेजिस्ट करती है, वो हमारी क्या होती है, एयर होती है। अगर हमारी बाइक की डायरेक्शन, सपोज ये हमारी बाइक की डायरेक्शन है, ओके, ये हमारी बाइक की डायरेक्शन है एंड यहाँ से हमारी क्या होती है, रेजिस्टिंग फोर्स होती है एज एयर, तो हमारी बाइक की डायरेक्शन से बट हमारी ओपोजिशन फोर्स है, बट जो हमारी रेजिस्टिंग फोर्स है वो हमारी अलोंग है डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी की, जो हमारी डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी की हमारी रेजिस्टिंग फोर्स है हमारी क्या अलोंग है, आप देख सकते हैं हमारी अलोंग है,
तो ये हमारी ड्रैग फोर्स होती है। ओके, सो हमारी लिफ्ट फोर्स एंड ड्रैग फोर्स। सो वी वांट मोर लिफ्ट फोर्स रादर देन ड्रैग फोर्स, मींस हमारी एम जो होती है लिफ्ट बाय ड्रैग रेशियो जो होनी चाहिए वो हमारी ग्रेटर होनी चाहिए, ये हमारी एम। बिकॉज लिफ्ट फोर्स जो होती है वही हमारी मींस रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी रडर मूवमेंट की, ड्रैग फोर्स हमारी क्या करती है रेजिस्ट करती है। ओके, सो वी वांट मोर लिफ्ट फोर्स रादर देन ड्रैग फोर्स। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन, एंड आवर क्वेश्चन इज व्हाई रडर एंगल इज लिमिटेड टू 30 और मैक्स टू 35 डिग्री एंगल, हम इस पर बात करेंगे। मैंने रेगुलेशंस में भी आपको बताया था, ओके, लास्ट लेक्चर्स की रेगुलेशंस में भी आपको बताया था, लाइक रडर एंगल हमारी क्या होती है 30 टू 35 डिग्री हमारी पोर्ट टू स्टारबोर्ड मूवमेंट होती है। ओके, सो हमारी लिमिट क्यों होती है, मींस 35 इज क्यों, व्हाई नॉट 15 डिग्री, व्हाई नॉट 45 डिग्री, मींस व्हाई नॉट लेस देन 90, ऑब्वियसली लेस देन 90, बट व्हाई नॉट 45, 60, 75, मींस आइदर 15, 20, 25, व्हाई नॉट। ओके, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसे मैं आपको ग्राफिकल वे से समझाऊंगा। ओके, एंड यस कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारी रडर की एंगल अगर हमारी से 45 डिग्री, सपोज अगर हमारी रडर की एंगल हमारी 45 डिग्री होती है, ओके, सपोज ये हमारी रडर की एंगल है एंड ये हमारी 45 डिग्री, सपोज मैं यही कंसीडर करके चलता हूं सेम डायग्राम, ये हमारी रडर एंड ये हमारी 45 डिग्री होगी, तो अब हमारी क्या होगी जो मॉलिक्यूल्स होगी, ओके, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगी, जो हमारी इसकी फ्लो पाथ हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स कैसी है, अब हमारी क्या होगी, सपोज यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स होगी तो हमारी क्या होगी मीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ लार्जर एंगल। ओके, मैंने यहां पर कंसीडर किया था ये मीट हो रही है, बट अब यहां पर क्या होगी मीट नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे यहां क्या होगी टर्बुलेंस क्रिएट होगी, जिससे हमारे यहां पर क्या होगी टर्बुलेंस क्रिएट होगी। ओके, सो टर्बुलेंस क्रिएट होगी मींस व्हाट, ड्रैग फोर्स हमारी इंक्रीज होगी, मींस वी टेंड टू डिक्रीज द लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, बट हमें क्या चाहिए लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो हमारी ग्रेटर होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टर्बुलेंट हियर हमारी लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो हमारी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारी रिजल्टेंट रडर फोर्स होगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, बट मैं आपको क्लियरली जो आपको मींस ऑल एक्सेप्टेड सर्वेयर आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हमारी ग्राफ से मैं आपको बताऊंगा, तो यहां पर हमारी क्या लिफ्ट फोर्स है, मींस अगर हमारी लिफ्ट फोर्स की एग्जिस्टेंस है तो हमारे यहां पर क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट फोर्स होगी, दैट इज डिनोटेड बाय सीएल, एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट फोर्स इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल लिफ्ट फोर्स टू द मैक्सिमम लिफ्ट फोर्स। ओके, नाउ ड्रैग फोर्स, सो यहां पर हमारी क्या होगी एग्जिस्टेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स, यहां पर मींस सीडी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, सो दीज टू थिंग्स इज डिपेंड ऑन अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ अटैक, यहां पर हमारी ग्राफ होगी। ओके, जो हमारी एक्स एक्सिस पे जो होगी, ओके, जो हमारी एक्स एक्सिस पे होगी हमारी अल्फा होगी एंगल ऑफ अटैक, एंड जो हमारी वाई एक्सिस पे होगी ये हमारी सीएल एंड सीडी में लेकर चलूंगा। ओके, ये हमारी सीएल एंड सीडी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सीएल होगी, सीएल की जो आप ग्राफ देखोगे ये हमारी एक्चुअली ये हमारी यहां से स्टार्ट होती है। ओके, इज नॉट स्टार्ट एग्जैक्टली फ्रॉम जीरो, ओके, ये हमारी यहां से कुछ स्टार्ट होगी। ओके, ये हमारी इसकी ग्राफ होती है क्या है सीएल। ओके, मैं इसे भी रेड कलर से शो कर देता हूं, ये हमारी सीएल है। ओके, नो, अब ये जो हमारी एंगल है, ये जो हमारी एंगल होती है ये हमारी 35 डिग्री होती है, ये एंगल हमारी 35 डिग्री होती है, तो आप देख रहे हो जो हमारी सीएल क्या है कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट मींस हमारी लिफ्ट फोर्स। ओके, सो
आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारी एंगल इंक्रीज हो रही है एट सर्टेन एंगल अप टू 35 डिग्री हमारी क्या हो रही है लिफ्ट फोर्स हमारी इंक्रीज हो रही है बट आफ्टर 35 डिग्री इसके बाद हमारी क्या होगी 40, 45, 50 बट आफ्टर 35 डिग्री हमारी लिफ्ट फोर्स डिक्रीज हो रही है मींस इस कंडीशन को स्टॉलिंग कंडीशंस कहते हैं सो बिकॉज ऑफ स्टॉलिंग कंडीशन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ एंगल इस कंडीशंस को हम स्टॉल्ड कंडीशंस कहते हैं ओके सेम अब हम सीडी की मींस सीडी की ये ग्राफ बिहेवियर देखेंगे ओके ड्रैग फोर्स की ये हमारी सीडी है ये हमारी सीएल थी एंड ये हमारी सीडी है नाउ यू मे ऑब्जर्व हियर ओके यू मे ऑब्जर्व हियर एट 35 डिग्री आफ्टर 35 डिग्री हमारी ड्रैग फोर्स जो रही है वो हमारी क्या होगी सडनली हमारी इंक्रीज हो रही है ओके मींस एट दिस पॉइंट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू पॉइंट वन पे हमारी क्या हो रही है हमारी जो लिफ्ट फोर्स हो रही है वो हमारी डिक्रीज हो रही है एंड हमारी ड्रैग फोर्स हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है मींस व्हाट लिफ्ट बाय ड्रैग रेशियो हमारी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है दैट वी डोंट वांट हमें ये नहीं चाहिए हमें लिफ्ट फोर्स चाहिए ज्यादा चाहिए होता है ओके दैट्स व्हाई स्पेसिफिक 35 और 30 डिग्री ओके हमारी लिमिटेशंस होती है मींस क्या हमारी जो रडर होती है वो हमारी मूवमेंट होती है 30 to 35 डिग्री ओके सो दिस इज द मींस करेक्ट आंसर ओके इसकी जो मैंने आंसर बताया व्हाई रडर एंगल इज लिमिटेड टू 30 to 35 डिग्री एंगल सो दिस इज करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल सर्वेयर ओके ये ऑल सर्वेयर एक्सेप्टेड आंसर है बट इट इतना आपको क्लियर है तो ये हमारी कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए जस्ट स्टॉल्ड कंडीशंस कहां हो रही है ये हमारी स्टॉलिंग कंडीशंस हो रही है ओके एट 35 डिग्री और मोर देन 35 डिग्री पे हमारी क्या हो रही है ड्रैग कोफिशिएंट हमारी इंक्रीज हो रही है एंड हमारी लिफ्ट कोफिशिएंट डिक्रीज हो रही है एंड इस कंडीशंस को हम स्टॉल्ड कंडीशंस कहते हैं एंड ये मोस्टली आस्क्ड ऑलवेज आस्क्ड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है एमएमटी ओरल्स में ओके सो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में कवर करूंगा स्टीयरिंग गियर्स की सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो